सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में। साथियों, आज इस वीडियो में हम समृद्ध कार्यक्रम स्तर एक की बात करेंगे। स्तर एक कक्षा एक और दो के लिए है और इस कार्यक्रम को 1 मार्च से हमें अपनी कक्षाओं में लागू करना है। आगे हम ये भी देखने वाले हैं कि हमें कक्षा एक और दो के बच्चों का बेसलाइन आकलन करना है या नहीं करना है, कक्षा में समूह निर्धारण कैसे करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम स्तर एक में लक्षित दक्षताएं और उपदक्षताएं देख लेते हैं। दक्षता है संख्या पूर्व ज्ञान, यानी संख्या से पहले का ज्ञान, और इसकी उपदक्षता है दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, एक एक की संगति, पैटर्न की पहचान और समूह ज्ञान। उसके बाद है गिनती 1 से 50 तक। फिर इसकी उपदक्षता है वस्तुओं को गिनना 1 से 9, शून्य की अवधारणा, वस्तुओं को गिनना 10 से 20, वस्तुओं को गिनना 21 से 50, ये इसकी उपदक्षताएँ हैं। ऐसे ही आगे और दक्षताएँ और उनकी उपदक्षताएँ दे रखी हैं, तो आप इनको देख लोगे। आपको स्तर एक में इन्हीं दक्षताओं को बच्चों को पूरा करवाना है, हासिल करवाना है। अब हम देखते हैं स्तर एक में संख्या पूर्व ज्ञान, गिनती 1 से 50 तक, संख्या पैटर्न, समूहीकरण की अवधारणा। तो यहाँ पर क्या करना है, सभी बच्चे एक समूह में एक ही क्लास में बैठेंगे। यहाँ पर स्तर एक में या कक्षा एक और दो में आपको बच्चों के अलग अलग समूह नहीं बनाने हैं, वो एक ही कक्षा में बैठेंगे और एक साथ बैठेंगे। अब यहाँ पर देखो, कक्षा एक और दो के लिए साफ साफ लिखा है कि बेसलाइन आकलन नहीं करना है, एंड लाइन करना है, सतत आकलन भी करना है और आकलन टूल स्तर एक के लिए उपलब्ध आकलन टूल। इस आकलन टूल से हमको स्तर एक का जो आकलन टूल दे रखा है इसमें समृद्ध कार्यक्रम हस्तपुस्तिका में, हमें उस आकलन टूल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया कि आपको बेसलाइन आकलन नहीं करना है और कक्षा में अधिकतम एक समूह बनेगा स्तर एक और दो के लिए। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ क्लियर कर ली है कि हमें बेसलाइन आकलन भी नहीं करना है और हमें मैक्सिमम एक ग्रुप ही बच्चों का बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, समूह बनाना, कक्षा एक और दो में अधिकतम समूह एक बनेगा, समूह एक सभी बच्चों को अपनी कक्षा में एक ही समूह में रखना है, सभी बच्चों को अपनी कक्षा में एक ही समूह में रखना है। अब यहाँ पर शिक्षण के दौरान आकलन कैसे करना है, लक्षित दक्षताओं व उपदक्षताओं के साथ सतत आकलन की प्रक्रिया को जोड़ा गया है और दैनिक शिक्षण योजना में आकलन बिंदु शामिल किए गए हैं। शिक्षक प्रत्येक उपदक्षता के लिए शिक्षण योजना के साथ कार्य करेंगे और उसे पूरा कर लेने पर बच्चों का आकलन करेंगे। बच्चों के लिए यह आकलन एक सामान्य कक्षा कार्य की तरह होना चाहिए। किसी बच्चे द्वारा वांछित दक्षता न प्राप्त कर पाने की स्थिति में शिक्षक अतिरिक्त समय देकर चिन्हित संसाधनों के साथ बच्चे की दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करेंगे। शिक्षक स्तर उपयुक्त सतत आकलन के तरीके का चयन करेंगे। सतत आकलन के लिए सुझाए गए स्तर एक में मौखिक कार्यपत्रक, स्तर दो में मौखिक कार्यपत्रक श्यामपट कार्य, स्तर तीन मौखिक कार्यपत्रक कक्षा कार्य प्रश्नों को देकर, और आगे लिखा है प्रत्येक बच्चे की जानकारी बेसलाइन एंडलाइन आकलन प्रपत्र में भरी जाएगी। तो आपको क्या करना है, सतत आकलन के लिए स्तर एक के लिए जब आप स्तर एक का करोगे तो आपको मौखिक कार्यपत्रक बच्चों को देने हैं। मौखिक कार्यपत्रक से आप बच्चों का आकलन करेंगे। स्तर दो का जब आकलन करेंगे तो मौखिक कार्यपत्रक और श्यामपट कार्य। ये देखिए, यहाँ पर बेसलाइन आकलन हमको नहीं करना है और हमें एंडलाइन आकलन करना है। बेसलाइन आकलन पर देखो क्रॉस लगा हुआ है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये आकलन प्रपत्र का आप इसमें बच्चों की एंट्रीज फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है दक्षता प्राप्त है, तो आपको ए लिखना है, नंबर नहीं देने हैं आपको,
जिस बच्चे ने दक्षता को हासिल कर लिया है उसको ए देना है, और नहीं कर किया है तो उसे बी देना है। अब इसके बाद यहाँ पर 2 महीने की कार्य योजना दे रखी है। संख्या पूर्व ज्ञान, 2 दिन का शिक्षण दिवस। इसमें जो गतिविधि उपदक्षता है, दूर पास छोटा बड़ा, इसके लिए 2 दिन देने हैं। एक एक की संगति के लिए 3 दिन देने हैं। पैटर्न की पहचान के लिए 2 दिन देने हैं, और समूह बनाना के लिए 2 दिन देने हैं। इस तरीके से यहाँ पर पूरे 50 दिन का कार्यक्रम, लगभग 48 दिन का कार्यक्रम आपको दे रखा है। आपको इसी जो दो महीने की कार्य योजना है इसी के अनुसार पढ़ाना है। अब हम देखते हैं साप्ताहिक योजनाएं। अब जो 2 महीने की योजना थी उसको सप्ताहों में हमें कैसे लागू करना है। यहाँ पर देखिए दक्षता दे रखी है, संख्या पूर्व ज्ञान, उसके लिए उपदक्षताएं दे रखी हैं, दूर पास छोटा बड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो सबसे पहले हम पहले दिन का हिसाब किताब देखेंगे कि हमें पहले दिन कैसे पढ़ाना है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप देखोगे पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या, कार्य पुस्तिका पृष्ठ संख्या। तो पहले दिन का हम देखते हैं C1 जो लिखा हुआ है, C1 वो क्लास 1 को डिनोट कर रहा है, और 12, 13, 15, 16 ये क्या है, ये पृष्ठ संख्या है। किसकी पृष्ठ संख्या है? पाठ्य पुस्तक, जो हमारी कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक है उसकी पृष्ठ संख्या है ये। उसके बाद हमें क्या करना है, कार्य पुस्तिका में हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, ये जो मिली है हस्तपुस्तिका आपको, इसमें पेज नंबर 43 हमें बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद CMC 01, 04, 06 ये चार्ट हैं, ये जो NCERT गणित की जो टूल किट आपको विद्यालय में मिलने वाली है ये उसमें मिलेंगे आपको। आपको बच्चों को ये पढ़ाने हैं, ये दिखाने हैं आपको। उसके बाद जो दूसरा कालांश जो आएगा ये अभ्यास सत्र है, जो हमने पहले पढ़ाया है पहले कालांश में उसी का ये अभ्यास सत्र है। यहाँ हमें अभ्यास कराना है। तो हमें क्या करना है, वही जो हमारी पाठ्य पुस्तक है क्लास 1 की 12, 13, 15 और 16 इन पेजों से हमें बच्चों को अभ्यास कराना है। उसके बाद अब कार्य पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 7 और 8 का अभ्यास कराना है। उसके बाद हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्श का ये पेज नंबर 44 और 46 का अभ्यास कराना है। और उसके बाद पोस्टर CMC 01, 04 और 06 का बच्चों को अभ्यास कराना है। तो इस तरीके से हमें पूरे सप्ताह की इस योजना के हिसाब से ही हमें बच्चों को पढ़ाना है। इससे बहुत आसानी रहेगी आपको, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। आपके पास एक प्लानिंग रहेगी कि हमें कैसे क्या करना है। तो आप इस साप्ताहिक योजना को देख लेंगे। ये समृद्ध कार्यक्रम में पूरा आपको कंटेंट आपको दे रखा है, बस आपको उसको फॉलो करते जाना है, अप्लाई करते जाना है अपनी क्लासेस में। अब हम एक गतिविधि भी देख लेते हैं। दक्षता है संख्या पूर्व ज्ञान। इसमें शिक्षण सामग्री आपको क्या क्या यूज करनी है, पोस्टर और चित्रकार ये यूज करने हैं। शिक्षक बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके स्वयं एक बच्चे के पास जाकर अन्य बच्चों से पूछेंगे कि मेरे पास कौन बच्चा है तथा मेरे से दूर कौन है। एक हाथ में बड़ी गेंद एवं दूसरे हाथ में छोटी गेंद लेकर बच्चों से प्रश्न करेंगे कि कौन सी गेंद बड़ी है और कौन सी छोटी है, तथा गेंद की स्थिति को बदलते हुए दाएं और बाएं से जोड़कर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शिक्षक बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं संबंधी एक गतिविधि करवाएंगे। स्वयं करते हुए दिखाएंगे, बाएं हाथ को आगे निकालो, उसे गोल घुमाओ, या दायां पैर आगे निकालो, या दायां हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दाएं हाथ आगे निकालो, गोल गोल उसे घुमाओ और घूम जाओ। इसी प्रकार बाएं हाथ व पैर के साथ गतिविधि आगे चलती रहेगी। शिक्षक बच्चों को संख्या पूर्व ज्ञान से संबंधित चार्ट कार्ड के माध्यम से, जो विद्यालय की दीवारों पर निर्मित हैं, दूर पास ऊपर नीचे दाएं बाएं का मूल्यांकन करेंगे। संदर्शिका कक्षा 1 के पृष्ठ संख्या 98
से दूर पास लंबा छोटा आदि का आकलन किया जा सकेगा। अब आगे यहाँ पर हमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से भी हम कुछ गतिविधि करा सकते हैं, जो कि इसमें सबसे नीचे दे रखा है। ध्यानाकर्षण कौन सी तकनीकी का आप इसके लिए यूज कर सकते हो? शैक्षिक नवाचारों का उपयोग, TLM का प्रयोग, समूह कार्य। तो आपको एक कार्य योजना मिल गई, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कक्षाओं में पढ़ाना है, शिक्षण कार्य करना है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है।